चलो दोस्तों, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा आज हम लोग बात करेंगे एजोर के स्टोरेज अकाउंट के बारे में। ठीक है, क्या बात करेंगे? एजोर स्टोरेज अकाउंट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एजोर पे आकर स्टोरेज की सर्विस लेते हैं तो आपको स्टोरेज अकाउंट बनाना मैंडेटरी है। ठीक है, एक्चुअली इन्होंने स्टोरेज को अलग पार्ट पे रखा है, और जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में अगर एक्सप्लेन करूं तो इन्होंने क्या किया। देखिए, ये जैसे अपना सेटअप लगाते हैं ना, मान लीजिए इन्होंने अपना सेटअप इंडिया रीजन में लगाया, और इंडिया रीजन में मान लीजिए ये दिल्ली में लगाने जाते हैं, तो ये लोग सेटअप कैसे लगाते हैं? ये लोग, ये एरिया है, तो ये लोग इस एरिया में कैसे सेटअप लगाते हैं? ये यहाँ पर स्टोरेज का एरिया रहेगा इनका, ये इनका कंप्यूट एरिया हो गया, ये इनका डेटाबेस एरिया हो गया, ये इनका नेटवर्क एरिया हो गया। मतलब जैसे जैसे इनकी सर्विसेज होती हैं, ऐसे सर्विसेज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया इनका जैसे स्टोरेज का एरिया, ठीक है, ये हो गया इनका कंप्यूट का एरिया, तो ये हो गया मान लीजिए इनका नेटवर्क का एरिया, तो ये हो गया इनका मान लीजिए डेटाबेस। ऐसे एन नंबर ऑफ सर्विसेज हैं, उस प्रकार से इन्होंने अलग अलग एरियाज पे सेटअप को लगाते हैं, और काइंड ऑफ फिर बोलते हैं ये हमारा एक रीजन है, और इस रीजन में स्टोरेज की सर्विस मिल रही, कंप्यूट की सर्विस मिल रही, नेटवर्क की सर्विस मिल रही, और डेटाबेस की सर्विस मिल रही। तो अब क्या होता है कि अगर आपको स्टोरेज चाहिए तो फिर आपको स्टोरेज के एरिया में आकर आपको यहाँ पर एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना होगा। अलग से क्या करोगे आप, एक एक आपको सबसे पहले स्टोरेज अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और स्टोरेज अकाउंंट आप क्रिएट करेंगे और उसका जो नेम होगा वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब आप स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे तो नंबर ऑफ फंक्शनैलिटीज वहां पे आएंगी, कि जो स्टोरेज अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हैं उस पे जो डेटा आएगा उसका रेप्लिकेशन मेथड क्या रखना चाहते हो आप। अकाउंट के स्टोरेज अकाउंट के काइंड है, बोले तो टाइप है, टाइप्स क्या सेलेक्ट करना चाहते हो। तो स्टोरेज अकाउंट के जो टाइप्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है उसकी प्राइसिंग, स्टोरेज अकाउंट की उस पर डिपेंड करता है रेप्लिकेशन जो आपको मिलेगा उसकी फैसिलिटी किस टाइप की मिलेगी, जस्ट काइंड ऑफ। और जब आप स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आप वहां पर नंबर ऑफ पॉलिसी सेट कर सकते हैं, परमिशन सेट कर सकते हैं कि ये स्टोरेज अकाउंट जो हमने बनाया है वो कंप्यूट वाली रिसोर्स से एक्सेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोले तो कम्युनिकेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूट के अंदर क्या होते हैं, इनके वीएम्स वगैरह होते हैं, नेटवर्क से होना चाहिए कम्युनिकेट। जस्ट काइंड ऑफ पॉलिसी आप सेट करते हो। एक चीज मैं आपको और दिखा दूं कि अगर आप एक वीएम जैसे क्रिएट करते हो एजोर पे जाके, राइट, तो आप जब एजोर पे एक वीएम जब बनाते हो तो उस वीएम के साथ जो भी स्टोरेज मिलता है बाय डिफॉल्ट, जिस पे आप आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, तो वो स्टोरेज भी बैकएंड में जो होता है वो स्टोरेज अकाउंट से ही, स्टोरेज अकाउंट में ही पड़ा होता है। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम जब एक वीएम क्रिएट करते हैं तो हम तो कोई स्टोरेज अकाउंट नहीं क्रिएट करते, तो स्टोरेज कौन कहाँ पे होता है? और मैंने जैसे बोला कि स्टोरेज अकाउंट में ही होता है, तो बैकएंड में जब आप वीएम बनाते हो तो उस वीएम के साथ जो भी स्टोरेज मिलता है वो भी एक बैकएंड में के स्टोरेज अकाउंट में जाता है, लेकिन वो स्टोरेज अकाउंट एजोर खुद आपके लिए क्रिएट करके दे देता है। आपको उस टाइम पर स्टोरेज अकाउंट की टेंशन नहीं लेनी होती है। लेकिन होता क्या है, इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि हम वो डिफॉल्ट स्टोरेज अकाउंट को नहीं यूज किया करते, हम इंडस्ट्रीज में अपना खुद का स्टोरेज अकाउंट बनाते हैं, उसमें एप्लीकेशन मेथड सेट करते हैं, उसके काइंड ऑफ पर्पस हम अपने नीड के हिसाब से सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा लैब दिखाता हूँ इसके मैं आपको। तो स्टोरेज अकाउंट आपको मिलेगा कहाँ, यहाँ आ जाइए। तो ये देखिए स्टोरेज अकाउंट है, तो चलते हैं कि स्टोरेज अकाउंट बना के देखते हैं। तो स्टोरेज अकाउंट जो है वो आपसे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नो स्टोरेज अकाउंट टू डिस्प्ले, आपके पास कोई भी स्टोरेज अकाउंट अभी नहीं है तो डिस्प्ले नहीं कर रहा, और आगे कह रहा है कि क्रिएट स्टोरेज अकाउंट टू स्टोर अप टू 500 TB ऑफ डेटा इन अ क्लाउड, यूज जनरल पर्पस स्टोरेज अकाउंट टू स्टोर ऑब्जेक्ट डेटा, यूज नो सिक्वल डेटा स्टोर, राइट, डिफाइन यूज, ये सारी चीजें बता रहा है। तो कह रहा है स्टोरेज अकाउंट में जो डेटा है, आपने जो एक स्टोरेज अकाउंट बनाया उसके अंदर जो डेटा है आप
आप अप टू 500 TB तक का डेटा अपलोड करके रख सकते हैं एक स्टोरेज अकाउंट में, ठीक है। कुछ एजोर में ऐसे रीजन्स हैं, एक दो रीजन्स ऐसे हैं जैसे सेंट्रल यूएस और भी ऐसे कुछ रीजन्स हैं जिसपे आप 500 TB से भी ज्यादा का डेटा रख सकते हैं, बोले तो पेटाबाइट में भी रख सकते हैं, 2 पेटाबाइट तक का, ठीक है। वो कौन से रीजन है वो आगे मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा दूंगा। इसी प्रकार से अगर स्टोरेज अकाउंट पे डेटा फुल हो जाता है तो फिर आप एक अलग से स्टोरेज अकाउंट बनाकर उस पर डेटा रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्रिएट स्टोरेज अकाउंट करते हैं यहाँ पर, और जैसे हमने क्रिएट स्टोरेज अकाउंट यहाँ पर किया तो अब आपके सामने बोल रहा है भाई सब्सक्रिप्शन चाहिए, क्यों एक सब्सक्रिप्शन, क्योंकि एजोर के अंदर एक रिसोर्सेज जो है सब्सक्रिप्शन के अंदर जाती हैं, तो एक सब्सक्रिप्शन से चाहिए होता है। तो हम यहाँ पर फ्री टियर सब्सक्रिप्शन लेके चल रहे हैं, और एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आप नंबर ऑफ स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद कह रहा है कि देखिए रिसोर्स ग्रुप चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक रिसोर्स ग्रुप बना लेते हैं। मैंने बना लिया क्लाउड नॉलेज, तो क्लाउड नॉलेज नाम का एक मैंने रिसोर्स ग्रुप मैं यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो ये आपसे कहता है कि स्टोरेज अकाउंट का नेम और स्टोरेज अकाउंट का नेम यूनिक होना चाहिए। साफ साफ यहाँ पे आप पढ़ें तो देखिए बता रहा है कि नेम मस्ट बी यूनिक अक्रॉस ऑल एग्जिस्टिंग स्टोरेज अकाउंट नेम इन द एजोर, पूरे एजोर्स में यूनिक होना चाहिए, आपके अकाउंट में नहीं पूरे एजोर्स में, राइट। मतलब कि मैंने अगर स्टोरेज अकाउंट बनाया, मैंने उसका कोई नाम रखा, तो कोई दूसरा बंदा अपने एजोर अकाउंट में सेम इस नेम का स्टोरेज अकाउंट का नाम सेम नहीं रख सकता। और साफ साफ कह रहा है इट मस्ट बी 3 to 24 characters लॉन्ग, राइट। और साफ साफ कह रहा है कैन कंटेन ओनली लोअर लेटर एंड नंबर्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर स्टोरेज अकाउंट का नाम रख लिया क्लाउड नॉलेज, ठीक है। आप इस टाइप से हाइफन वगैरह नहीं देख सकते, नंबर रखिए या नेम, वो भी लोअर पे। अब आपसे कहता है लोकेशन सेलेक्ट करिए, तो कौन से लोकेशन में आप बनाना चाहते हैं स्टोरेज अकाउंट, तो हमने सेंट्रल यूएस ले लिया, और सेंट्रल यूएस लिया। और देन उसके बाद अब कहता है परफॉर्मेंस, आपको परफॉर्मेंस स्टोरेज अकाउंट जो आप बना रहे हैं उसमें किस टाइप का परफॉर्मेंस आपको चाहिए। तो अगर आप परफॉर्मेंस में क्लिक करें तो यहाँ पर ये पढ़े आपसे साफ साफ कह रहा है कि परफॉर्मेंस एक स्टैंडर्ड है, एक प्रीमियम है। और अगर हमने स्टैंडर्ड किया तो क्या बोलता है, कह रहा है स्टैंडर्ड स्टोरेज अकाउंट आर बैकेड बाई द मैग्नेटिक ड्राइव एंड प्रोवाइड द लोवेस्ट कॉस्ट पर जीबी। मतलब अगर आपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड लिया तो ये जो भी हम स्टोरेज अकाउंट बना रहे हैं इसके बैकेंड में जो हमें ड्राइव देगा ये वो एच मैग्नेटिक ड्राइव दे रहा है। क्या दे रहा है, मैग्नेटिक बोले तो एक प्रकार से HDD वॉल्यूम हार्ड डिस्क दे रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा और आगे पढ़े तो यहाँ पे देखो बोल रहा है दे आर द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्ड बल्क स्टोरेज वेयर डेटा इज एक्सेस इनफ्रिक्वेंटली। तो कह रहा है कि अगर आपका पर्पस, आप स्टोरेज अकाउंट जो बना रहे हैं अगर आपका काइंड ऑफ पर्पस ये है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरा भाई ये VM है, राइट। मैंने VM बनाया, इस VM पे मेरा अपना डेटाबेस चल रहा है, ठीक है, डेटाबेस चल रहा है, या इसके ऊपर मैं कोई एप्लीकेशन चला रहा हूँ। तो अब मुझे इस एप्लीकेशन पे जो डेटा आता है उसके लॉक्स रखने, बैक लॉक्स का बैकअप रखना है। तो मुझे एक स्टोरेज अकाउंट बनाया और मुझे ये स्टोरेज अकाउंट सिर्फ मैं इस सर्वर के लॉक्स को रखने के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं परफॉर्मेंस क्या करूँ, स्टैंडर्ड रख लूँ बैकएंड में HTTP, तो लॉक्स ही तो रखना है मुझे। तो एक प्रकार से कॉस्ट भी मेरा बच जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा, राइट। बट थोड़ा सा और आगे पढ़े अगर आप यहाँ पर परफॉर्मेंस में, तो अब आगे क्या बोलता है देखिए, कह रहा है प्रीमियम स्टोरेज अकाउंट आर बैकेंड बाय द सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड ऑफर कंसिस्टेंट लो लेटेंसी परफॉर्मेंस, दे कैन ओनली बी यूज विद एजोर वर्चुअल मशीन डिस्क एंड आर द बेस्ट इनपुट एंड आउटपुट इंटेंसिव एप्लीकेशन लाइक डेटाबेस एडिशनली वर्चुअल मशीन दैट यूज प्रीमियम स्टोरेज फॉर ऑल डिस्क क्वालिटी फॉर द 99.9% SLA इवन वेन रनिंग आउटसाइड फॉर अनअवेलेबिलिटी सेट, दीज सेटिंग कांट बी चेंजेस आफ्टर द स्टोरेज अकाउंट इज क्रिएटेड। तो अब देखो ये क्या कह रहा है कि भाई अगर आपने ये आपका एप्लीकेशन चल रहा था, इस एप्लीकेशन का लॉक्स का बैकअप रखने के लिए आपने स्टोरेज अकाउंट बनाया, तो आपने बैकएंड में जो परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड ले लिया, ठीक है। बट अगर
मैं यहाँ पर एप्लीकेशन सर्वर मेरा चल रहा है और एप्लीकेशन ये मैंने वीएम बनाया और इस वीएम पे मुझे एक स्टोरेज चाहिए जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, या मुझे कोई एडिशनल डिस्क चाहिए जिसमें मैं क्या करूंगा डेटाबेस चलाऊंगा या एप्लीकेशन चलाऊंगा, या मुझे इनपुट आउटपुट बहुत ज्यादा ऑपरेशन चाहिए, उसके लिए अगर मैं स्टोरेज अकाउंट यहाँ पे बना रहा हूँ तो ये फिर आपको रिकमेंडेड कर रहा है कि आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ना लें, प्रीमियम लें। तो अगर आपने प्रीमियम लेंगे तो ये बैकेंड में जो ये हार्ड डिस्क आपको प्रोवाइड मिलेगी वो एसएसडी मिलेगी, राइट। देखिए एसएसडी मिलेगी, ठीक है, तो एसएसडी मिलेगी तो आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। तो ये जस्ट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कि आपका यूज किसका है। तो कंपनी में क्या होता है कि भाई, और ये कह रहे हैं कि बाद में चेंज आप नहीं कर सकते, एक बार में आप एक ही ले सकते हैं, आप परफॉर्मेंस लीजिए या स्टैंडर्ड लीजिए, स्टैंडर्ड लीजिए या प्रीमियम लीजिए। तो होता क्या है कि कंपनी में क्या होता है कि मैं दो स्टोरेज अकाउंट बना लूंगा, मैं एक स्टोरेज अकाउंट बनाया उसमें प्रीमियम लिया तो मुझे बैकेंड में एसएसडी हार्ड डिस्क मिल गई। अब मैं उसको यूज कर रहा हूँ एज एप्लीकेशन लोड करने के लिए, ओएस लोड करने के लिए, डेटाबेस लोड करने के लिए। एक और मैंने ले लिया जिसका बैकेंड में मैंने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेलेक्ट किया और तो मुझे एचडीडी मिला, मैं उसको लॉक्स वगैरह रखने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो जस्ट काइंड ऑफ आपके यूज केस पे डिपेंड ये करता है। तो ये चीज हमने समझ गया परफॉर्मेंस, और हमें समझ में आ गया प्रीमियम और स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब आप कंपनी में जब आपकी कंपनी बोलेगी तो आप उसके जरूरत के हिसाब से सेलेक्ट कर रहे होंगे। अब थोड़ा सा नीचे है तो यहाँ पर देखिए अकाउंट काइंड आ रहा, तो अकाउंट काइंड में अगर थोड़ा सा पढ़ें, और एक चीज बता दूं अगर परफॉर्मेंस में थोड़ा और डिटेल पढ़ना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो एक पूरा सा पूरा का पूरा इनका ब्लॉग आपको बोले तो डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा और आप इसके बारे में पढ़ें तो काफी अच्छा आपका नॉलेज इनहेंस हो जाता है अगर आप इस डॉक को पढ़ते हैं तो, ठीक है। मैं वीडियो में सारी चीजें नहीं पढ़ के बता सकता है ना, मैं चीजों का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप चीजों को थोड़ा सा ग्रो थ्रू भी करें। थोड़ा सा और आगे चलें तो अकाउंट काइंड बोले तो अकाउंट के टाइप है, जो स्टोरेज अकाउंट बनाते हैं उसके भी नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं। तो देखें आप तीन टाइप्स के स्टोरेज अकाउंट आपके सामने आ रहे हैं, तीनों टाइप्स में कौन से टाइप में क्या फीचर मिलता है वो देखना है तो थोड़ा सा इसको पढ़ें। कह रहे हैं जनरल पर्पस स्टोरेज अकाउंट प्रोवाइड स्टोरेज फॉर ब्लॉक्स फाइल्स टेबल्स एंड क्यूज, और आगे कह रहा है इन यूनिफाइड अकाउंट द ब्लॉक स्टोरेज अकाउंट आर स्पेशलाइज्ड फॉर स्टोरिंग ब्लॉक डेटा एंड सपोर्ट चूजिंग द एक्सेस टियर व्हिच अलाउ यू टू स्पेसिफाई हाउ फ्रीक्वेंटली डेटा इन द अकाउंट इज एक्सेस, चूज द एक्सेस टियर दैट मैच योर स्टोरेज अकाउंट नीड टू बी ऑप्टिमाइज्ड। तो ये कह रहा है कि स्टोरेज अकाउंट जो है वो बेसिकली दो टाइप्स के हैं आपके सामने, एक कह रहा है जनरल पर्पस है और एक स्टोरेज अकाउंट जो है वो ब्लॉक। तो ये कह रहा है कि अगर आप जनरल पर्पस स्टोरेज अकाउंट लेते हैं तो आपको जो स्टोरेज की सर्विसेज है वो ब्लॉक सर्विसेज मिलेगी, फाइल मिलेगी, टेबल मिलेगी और क्यू मिलेगी। लेकिन ये कह रहा है कि एक अलग से स्टोरेज अकाउंट, अगर आप ब्लॉक स्टोरेज अकाउंट लेते हैं तो उसमें सिर्फ एक ब्लॉक नाम की अलग से सर्विस मिलेगी, जिसमें थोड़ा सा एक्सेस टियर के बारे में भी इसने बात किया है, जो एक्सेस टियर क्या होता है हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टोरेज अकाउंट के जो इन्होंने काइंड बताया है इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, थोड़ा सा हम इसको डायग्राम के फॉर्मेट में समझते हैं। तो अगर मैं यहां पे लिखूं एजोर स्टोरेज अकाउंट काइंड की बात करूं और मैं टाइप की बात करूं तो दो टाइप के स्टोरेज अकाउंट यहां पे आपको मिल रहा है, एक मिल रहा है जनरल पर्पस, क्या मिल रहा है मेरे पास एक एक जनरल पर्पस और एक मुझे यहां पर मिल रहा ब्लॉक, ठीक है। तो दो टाइप के आपको मिल रहे हैं। अब देखो यहां पे जनरल पर्पस के अंदर अगर आप आ जाओ, जनरल पर्पस के अंदर आ जाओ तो यहां पर भी आपको दो टाइप के मिलेंगे, एक V1 मिलेगा जनरल पर्पस वर्जन 1 और एक आपको मिलेगा जनरल पर्पस V2, ठीक है। और ब्लॉक के अंदर आओ तो सिर्फ आपको एक जो है वो ब्लॉक स्टोरेज, ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक ही है ब्लॉक, ठीक है। तो जनरल पर्पस के अंदर आप आओगे तो V1 V2 मिलेगा, ब्लॉक के अंदर सिर्फ आपको एक ही है ब्लॉक, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है, तो एजोर की स्टोरेज की जो सर्विसेज है, अगर हम चार टाइप्स इनकी जो सर्विसेज हैं, बेसिकली चार टाइप की सर्विसेज हैं,
ठीक है, चार टाइप की सर्विसेज हैं। एक सर्विसेज जो है वो है आपकी ब्लॉक सर्विस, तो एक सर्विस जो है वो है ब्लॉक, एक सर्विस जो है वो है फाइल सर्विस, एक सर्विस जो है वो है टेबल, एक सर्विस जो है वो है क्यू। ठीक है, तो स्टोरेज की जो चार टाइप की सर्विसेज हैं, तो अगर आप जनरल पर्पस पे आते हो और V1 में आओ या V2 में आओ, तो वहां पर चारों सर्विसेज आपको मिलेगी, ब्लॉक भी मिलेगा, फाइल भी मिलेगा, टेबल भी मिलेगा। ठीक है, ब्लॉक सर्विस भी आपको मिलेगी, फाइल सर्विस भी आपको मिलेगी स्टोरेज की, और टेबल सर्विस भी आपको मिलेगी, और आपको क्यू सर्विस भी मिलेगी। ठीक है, चाहे आप V1 में रहो चाहे V2 में रहो। ठीक है, और अगर आप ब्लॉक की साइड आते हैं तो सिर्फ आपको ब्लॉक की सर्विस मिलेगी, बस सिर्फ ब्लॉक सर्विस मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगी ब्लॉक स्टोरेज। तो अगर आप जनरल पर्पस पे आए, V1 पे आए, V2 में, तो चारों मिल रही है। लेकिन अब ये V1 V2 में क्या डिफरेंशिएट है, तो इनमें थोड़ा सा फीचर्स में डिफरेंट है कि V1 लेंगे तो ये फीचर्स मिलेगा, V2 लेंगे तो ये फीचर्स मिलेगा, जस्ट काइंड ऑफ बोले तो रेप्लिकेशंस पे डिफरेंशिएट आता है, जो आगे अभी मैं डिस्कस करूंगा, है ना। बस अभी इतना समझिए कि जनरल पर्पस पे V1 में हो या V2 में हो, चारों मिलेगी, लेकिन ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट काइंड में आते हो तो सिर्फ ब्लॉब मिलेगी। ठीक है, अब ये ब्लॉब सर्विस कहाँ यूज किया जाता है, फाइल सर्विस कहाँ यूज किया जाता है, टेबल कहाँ यूज किया जाता है, क्यू को कहाँ यूज किया जाता है, ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे जब हम इनमें पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ हम एजोर स्टोरेज अकाउंट काइंड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखें आप कि अगर आप जनरल पर्पस V2 को सेलेक्ट करते हैं तो देखिए नीचे रेप्लिकेशंस आ रहे हैं आपके सामने। तो V2 अगर आपने लिए तो रेप्लिकेशन के देखिए सारे ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, टोटल 6 रेप्लिकेशन मेथड यहां पर है, LRS लोकली रिडंडेंट स्टोरेज, जोन रिडंडेंट स्टोरेज, जियो रिडंडेंट स्टोरेज, रीड एक्सेस जियो रिडंडेंट स्टोरेज, जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज, रीड एक्सेस, ये 6 हैं, और 6 की 6 आपको मिल रही। देखिए अगर आपने V1 किया तो V1 में देखिए क्या होता है, सिर्फ 3 मिल रही। V1 में क्या मिल रहा है आपको, सिर्फ 3 यहां पे आपको मिल रहा है। तो देखिए यहीं पे आपको डिफरेंशिएट क्लियर हो गया V2 और V1 में, है ना। ऐसे अगर मैंने ब्लॉब लिया तो ब्लॉब में देखो क्या करता है मुझे, क्लियर। तो इसी तरीके से हम जो स्टोरेज अकाउंट है वो तीनों ही बनाएंगे, एक बार ये बनाएंगे और ये भी बनाएंगे, तीनों ही बना के देखेंगे। तो अभी फिलहाल मैंने क्या लिया, V2 लिया। ठीक है, और अब यहां पर अगला पॉइंट आता है रेप्लिकेशन मेथड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोरेज अकाउंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो रेप्लिकेशन मेथड में क्या आ रहा है, देखो रीड एक्सेस रेप्लिकेशन मेथड में देखिए नंबर ऑफ रेप्लिकेशन मेथड आ रही है यहाँ पर, और जरा यहाँ पर पढ़ें तो देखिए क्या बोलता है, डेटा इज द डेटा इन योर एजोर स्टोरेज अकाउंट इज ऑलवेज रेप्लिकेटेड टू इंश्योर ड्यूरेबिलिटी एंड हाई एबिलिटी, चूज अ रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी दैट मैच योर ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट, सम सेटिंग कांट बी चेंजेस आफ्टर द स्टोरेज अकाउंट इज क्रिएटेड। तो ये कह रहा है कि स्टोरेज अकाउंट में आप स्टोरेज अकाउंट बनाते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी और हाई एबिलिटी को डिजाइन करने के लिए आपको रेप्लिकेशन मेथड मस्ट बी सेलेक्ट करना पड़ेगा अपनी जरूरत के हिसाब से। और स्टोरेज अकाउंट बनने के बाद ये कह रहा है कि कुछ रेप्लिकेशन मेथड की सेटिंग आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बट कुछ कर सकते हैं, ये मैं अपने एंड से बता रहा हूं, और क्या कर सकते हैं अभी मैं आपको डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि भाई ये जो रेप्लिकेशन है ये बैकएंड में कैसे काम कर रहा है, पहले इसके बारे में समझते हैं फिर आगे चलेंगे। तो मैं यहाँ पे रेप्लिकेशन टाइप्स और मेथड लिख देता हूं आपके लिए। रेप्लिकेशन टाइप्स की बात करूं तो सबसे पहला क्या है, देखो LRS आपने देखा, और स्टैंड फॉर क्या है, लोकली रिडंडेंट, लोकली स्टोरेज। ठीक है, दूसरा आपका यहां पर क्या है, ZRS स्टैंड फॉर
थर्ड नंबर क्या है? GRS स्टैंड फॉर जियो स्टोरेज. फोर्थ नंबर आपका क्या है? RA-GRS स्टैंड फॉर रीड एक्सेस जियो रिटेंडेंट स्टोरेज. फिफ्थ नंबर क्या है आपका? GZRS स्टैंड फॉर जियो जोन रिटेंडेंट स्टोरेज. और सिक्स नंबर जो लास्ट है वो क्या है? RA-GZRS स्टैंड फॉर रीड एक्सेस जियो जो रिडंडेंट स्टोरेज. तो ये इनकी छह टाइप्स की रेप्लिकेशंस मेथड है. ठीक है, अब देखिए, अब आपने यहां पर एक स्टोरेज अकाउंट बनाने जा रहे हो. ठीक है, मैंने स्टोरेज अकाउंट का नाम यहां पे रखा क्लाउड नॉलेज मान लीजिए. तो अगर मैंने इसकी रेप्लिकेशन मेथड LRS किया तो इसका मतलब क्या है? अगर मैंने रेप्लिकेशन मेथड यहां पे LRS किया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये मुझे क्या करेगा, एक डेटा सेंटर दे देगा. राइट, एक डेटा सेंटर बोले तो एक हार्डवेयर उन्होंने मुझे बैकएंड में दे दिया, बैकएंड में एक हार्डवेयर दे दिया और उस हार्डवेयर के ऊपर उसकी रेप्लिकेशन हो रही होगी. कितनी रेप्लिका हो रही होगी? तो तीन रेप्लिका हो रही होगी. एक एक डेटा की तीन रेप्लिका हो रही, एक दो तीन. ठीक है, तो ऐसा समझ लो कि एक हार्डवेयर उन्होंने मुझे दे दिया, उसमें तीन हार्ड डिस्क लगा दी और उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप जब डेटा कॉपी करेंगे तो तीनों हार्ड डिस्क में डेटा रेप्लिकेट हो रही है. लेकिन वो तीनों हार्ड डिस्क एक ही सर्वर के अंदर है, तो बोले तो एक ही रैक के अंदर है. तो अगर पूरा रैक क्रैश ना होकर, पूरा रैक डैमेज ना होकर अगर कोई एक हार्ड डिस्क क्रैश होती है उसके अंदर, तो मुझे दूसरी हार्ड डिस्क से डेटा प्रोवाइड कर देंगे. दोनों अगर एक साथ खराब होती है तो तीसरी से प्रोवाइड कर देंगे. लेकिन अगर तीनों खराब हो जाए, तीनों हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, बोले तो पूरा का पूरा रैक डाउन हो गया, पूरा का पूरा हार्डवेयर डाउन हो गया, तो फिर मुझे यहां पर डेटा नहीं मिलेगा. अगर मैंने स्टोरेज अकाउंट जब बनाया उस टाइम पर रेप्लिकेशन मेथड LRS सेलेक्ट किया तो साफ साफ ये कह रहे हैं लोकली रिडंडेंट स्टोरेज. तो अगर मैं चाहता हूं कि भाई अगर वो हार्डवेयर क्रैश हो जाए, वो रैक क्रैश हो जाए जो इन्होंने मुझे बैकएंड में दिया है, तो भी मुझे डेटा मिले, तो फिर ये लोग कहते हैं कि फिर आप रेप्लिकेशन मेथड जो ले रहे हैं वो आप डिफरेंट डिफरेंट रैक्स में ले लें. राइट, मतलब ये कहते हैं कि आप फिर जोन रिडंडेंट स्टोरेज रेप्लिकेशन मेथड लें. तो अगर आप जोन रिडंडेंट स्टोरेज रेप्लिकेशन मेथड लेते हैं तो फिर क्या होता है कि एक रैक ये है, एक रैक ये है, एक रैक ये है आपका. तो अभी भी आपकी डेटा की तीन ही रेप्लिका होगी, लेकिन एक इस रैक पे आएगी, एक इस रैक पे, एक इस रैक पे, इस रैक पे आ रही है, किस पे, किस पे. तो अब क्या हुआ कि इस रैक का पावर कूलिंग सिस्टम अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, और ये डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग में भी पड़ा हुआ है. तो इससे क्या हुआ कि, और इस रैक को ये लोग डेटा सेंटर भी बोलते हैं और इस रैक को ये लोग जोन भी बोलते हैं. भाई जोन वन हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका जोन टू, और ये हो गया आपका जोन थ्री. ये देखो, तो जोन वन, जोन टू, जोन थ्री. तो इसलिए कह रहा है जोन रिडंडेंट स्टोरेज. तो फिर क्या होगा कि अगर एक रैक खराब होता है तो दूसरा रैक तो है, दो खराब होता है तीसरा तो है, और तीनों रैक एक साथ खराब थोड़ी होंगे, तीनों रैक डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स में रखे हुए हैं, तो तीन बिल्डिंग एक साथ थोड़ी खराब होगी, है ना. लेकिन ये जो तीन रैक्स हैं
या तीन बिल्डिंग्स आप बोलो या तीन डेटा सेंटर बोलो, ये एक ही जियो लोकेशन में है। एक ही जियो लोकेशन का मतलब कि मान लो ये दिल्ली में ही है, तीनों तीनों के तीनों दिल्ली में ही है। मान लो ये साउथ एक्स में है तो ये गुड़गांव में है, ये द्वारका में, लेकिन तीनों दिल्ली में ही है। ठीक है, तो अगर दिल्ली में बोले तो एक प्रकार से आप बोलो रीजन वन, क्या रीजन वन। ठीक है, तो जोन रिडंडेंट स्टोरेज अगर आप रेप्लिकेशन मेथड लेते हो तो जोन बेस आपको रेप्लिकेशन मेथड मिल रही है। एक जोन खराब होता है दूसरा क्रैश होता है तो भी डेटा आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर सवाल आए कि ये रीजन ही पूरा खत्म हो जाए, बोले तो दिल्ली ही पूरा डिजास्टर हो गया, पूरे का पूरा जो रीजन है वो रीजन में डिजास्टर आ गया, तो जब रीजन में डिजास्टर आ गया तो उस रीजन के अंदर ना तो जोन वन बचेगा ना जोन टू ना जोन थ्री, तो उस केस में फिर आपको डेटा का रिकवरी नहीं मिल पा रहा। तो एजोर फिर आपके लिए रिकमेंडेड करता है कि अगर आप चाहते हो कि आपका जियो लोकेशन भी डैमेज हो जाए, जियो लोकेशन में भी कुछ डिजास्टर आ जाए तो भी आप रिकवरी आपको मिल जाए, तो फिर एजोर कहता है कि फिर उस केस में आप फिर जीआरएस जियो रेडंडेंट स्टोरेज रेप्लिकेशन मेथड को सेलेक्ट करें। तो अगर आप जियो रेडंडेंट स्टोरेज रेप्लिकेशन मेथड को सेलेक्ट करते हो तो अब वो क्या करता है, डेटा की छह रेप्लिका रखता है, तीन तो इस पे रखेगा इस रीजन में और इस रीजन को वो लोग प्राइमरी रीजन फिर कंसिडर करेंगे, और तीन डेटा तीन रेप्लिका डेटा की एक दूसरे रीजन पे रखेंगे। दूसरे रीजन बोले तो जैसे मान लो ये दिल्ली में था तो इसीलिए ऐसे ही इनके पास एन नंबर ऑफ रीजन है, तो एक दूसरे रीजन पे ले जाकर रखेंगे। वो दूसरा रीजन समझ लो आपका चेन्नई में होगा या फिर मुंबई में, मैंने बोला मुंबई पे, राइट। और इसको बोलेंगे ये सेकेंडरी रीजन है आपके लिए। ठीक है, तो तीन रेप्लिका डेटा की तीन कॉपी यहां रख रहे हैं और तीन कॉपी डेटा की इस रीजन पे रखेंगे। ठीक है, तीन कॉपी को क्या करेंगे, डेटा की इस रीजन पे रखेंगे। ये देखिए अब यहां पर भी तीन जोन है, ये हो गया आपका जैसे जोन वन और ये हो गया आपका जोन टू दूसरे रीजन का, और ये हो गया दोस्तों आपका जोन थ्री। क्लियर, जोन वन जोन टू जोन थ्री। इसी तरीके से तो उससे क्या होगा कि अगर मेरा प्राइमरी रीजन में कुछ नेचुरल डिजास्टर आता है तो मुझे टेंशन नहीं लेनी, मेरे मेरा सेकेंडरी रीजन पे डेटा पड़ा हुआ है मुझे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी रीजन का जो डेटा आपको मिलेगा वो आपको तभी एक्सेस मिलेगा जब आपका प्राइमरी रीजन में कुछ नेचुरल डिजास्टर होता है, मतलब प्राइमरी रीजन जब डाउन होगा तभी आपसे आपको डेटा सेकेंडरी रीजन से मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, प्राइमरी रीजन डाउन होगा तो हमें सेकेंडरी रीजन के लिंक से डेटा मिल जाएगा, मतलब दो लिंक आपको प्रोवाइड मिलेगा, एक प्राइमरी का लिंक अलग होगा सेकेंडरी का अलग। ठीक है, लेकिन यहां पर एक सवाल आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पे निकल के आता है कि अगर मैं मेरा डेटा प्राइमरी रीजन पे जा रहा हूँ सेकेंडरी में जा रहा है तो क्या सेकेंडरी रीजन फ्री ऑफ कॉस्ट बैकअप रख रहे हैं? नहीं दोस्तों, इसका भी चार्ज वो कहीं ना कहीं आपसे ले रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है हमें चार्ज देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सवाल आता है कि क्या मैं सेकेंडरी रीजन से भी डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ? भाई रेप्लिका तो ये रख रहे हैं ना, क्या मैं सेकेंडरी रीजन से भी जाकर उसके एंड पॉइंट से भी जाकर डेटा को एक्सेस कर सकता हूं? तो जीआरएस के केस में ऐसा नहीं होता, कहता सेकेंडरी रीजन से एक्सेसिबिलिटी आपको तभी मिलेगी जब आपका प्राइमरी रीजन में कुछ डिजास्टर होगा तभी मिलेगा। लेकिन अब कई लोगों ने बोला कि नहीं आप तो हमसे सेकेंडरी रीजन पे भी डेटा रखने का पैसा चार्ज कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें सेकेंडरी रीजन से भी डेटा का एक्सेस चाहिए। ठीक है, बिना प्राइमरी रीजन डाउन किए हुए, हो सकता है कि कोई ऐसा एक रीजन हो कि भाई मैं मेरा यहां पर ये कस्टमर है, ये डेटा को स्टोरेज अकाउंट पे रख रहे हैं, ये स्टोरेज अकाउंट के प्राइमरी रीजन पे आके वो रख रहे हैं डेटा को, अब वो चाहते हैं कि हम अपने डेटा की एक्सेसिबिलिटी सेकेंडरी रीजन से भी कर लें, जस्ट काइंड ऑफ लेटेंसी को मेंटेन करने के लिए या ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए। तो फिर इन्होंने एक नया रीजन आपको नया रेप्लिकेशन मेथड दिया, रीड
एक्सेस जियो रिडंडेंट स्टोरेज। तो फिर ये कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सेकेंडरी रीजन से भी डेटा को आप एक्सेसिबिलिटी कर लें बिना प्राइमरी रीजन के डाउन किए डाउन हुए, तो फिर कहते हैं कि रेप्लिकेशन मेथड आप RA-GRS पे आइए। तो RA-GRS पे अगर आते हैं तो आप अपने डेटा को सेकेंडरी रीजन से भी एट द मोमेंट ऑफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ रीड मोड में। क्या? सिर्फ रीड मोड के साथ। लेकिन प्राइमरी के साइड क्या होगा? रीड एंड राइट दोनों ही मिलेंगे, ठीक है। तो GRS में क्या था? GRS में भी क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन मिल रही थी, लेकिन सेकेंडरी रीजन से डेटा आप एक्सेस नहीं कर पा रहे थे जब तक प्राइमरी रीजन आपका डिजास्टर नहीं होता। लेकिन अगर आप RA-GRS में आते हैं तो आप प्राइमरी रीजन में रीड और राइट दोनों कर पा रहे हैं, लेकिन आप जो भी डेटा यहाँ पे रखते हो डेटा यहाँ पे भी आ रहा है। आप एट द मोमेंट ऑफ टाइम चाहो तो सेकेंडरी रीजन के लिंक एंड पॉइंट को यूज करके आप डेटा को रीड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा? कहीं ना कहीं लेटेंसी मेंटेन हो जाएगी। लेटेंसी मेंटेन बोले तो ट्रैफिक मेंटेन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टोरेज अकाउंट में डेटा रखा, अब आप उस डेटा को एक्सेस करने के लिए 100 लोग आए, है ना। अब आपने GRS यूज किया तो डेटा तो यहाँ पे जा रहा है आपका, लेकिन अब 100 में जो है 80 लोग हैं जिनको रीड करना है ना, 20 लोग हैं जिनको राइट करना है। तो क्या होगा? GRS के केस में राइट वाले भी इधर जा रहे हैं, रीड वाले भी इधर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक पे जाम हो जाएगा, राइट। तो अगर आपने RA-GRS किया तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अच्छा 80 लोग रीड कर रहे हैं तो रीड वाले को इधर भेज दीजिए, राइट वाले को इधर भेज दीजिए। तो कहीं ना कहीं आपका लेटेंसी मेंटेन हो गया और ट्रैफिक भी मेंटेन हो गया। तो ये बेनिफिट मिलता है RA-GRS के केस में, ठीक है। अब इन्होंने क्या दिया, एक आगे आपको एक नया कॉन्सेप्ट लाके दिया, जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज। ये एक नया अभी रिसेंटली इन्होंने लाया है, और इसका मतलब देखो क्या है। देखो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, प्रीव्यू। यहाँ पर प्रीव्यू और यहाँ पर प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब ये होता है दोस्तों कि एजोर कोई भी चीजें जब मार्केट में लेके आता है तो पहले उसको प्रीव्यू मोड में रखता है। प्रीव्यू मोड में रखने का मतलब उसकी टेस्टिंग कर रहा है, कस्टमर के एंड से फीडबैक चेक कर रहा है। अगर वो अच्छा फीडबैक आता है, रिलायबिलिटी मिलती है, तो फिर उसको कंटिन्यू रखेगा, नहीं तो हटा देगा। तो जब तक ये प्रीव्यू मोड में है तो कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हमेशा ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन हम इसको समझ भी लेते हैं ये क्या कह रहा है कि GZRS का मतलब क्या है। तो GZRS बोले तो जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज। अब समझो इसका मतलब क्या हुआ। तो अगर आपने रेप्लिकेशन मेथड जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज लिया तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आपके डेटा की रेप्लिकेशन तीन कॉपी इधर भी हो रही है और क्रॉस रीजन के जोन में भी हो रही है, ठीक है। तो अब यहां पर GZRS में देखो क्या मिलता है। पहले ऐसे समझते हैं, अगर आपने GRS लिया तो GRS के केस में क्या हो रहा था, डेटा की रेप्लिकेशन क्रॉस रीजन में भी हो रही है, ठीक है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी क्रॉस रीजन से आप नहीं कर पा रहे हो जब तक प्राइमरी रीजन डाउन नहीं होता है, ठीक है। आपने RA-GRS में आ गए तो क्या हुआ, डेटा की रेप्लिकेशन क्रॉस रीजन में हो रही है लेकिन एक्सेसिबिलिटी भी आपको रीड मोड पे सेकेंडरी रीजन से मिल पा रहा है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया, वो चीज क्या, देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि ये मेरा एप्लीकेशन सर्वर है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एप्लीकेशन सर्वर है, ठीक है, और एप्लीकेशन सर्वर के लिए मैंने स्टोरेज अकाउंट बनाया और मैंने यहां पर सेलेक्ट किया GRS, ठीक है। तो मैं एप्लीकेशन सर्वर में स्टोरेज अकाउंट का जो लिंक जो पॉइंट करूंगा वो प्राइमरी का करूंगा, क्योंकि एप्लीकेशन सर्वर डेटा राइट भी कर रही होगी तो राइट वाला पॉइंट करूंगा, ये तो करूंगा नहीं, ठीक है। तो अगर प्राइमरी रीजन डाउन होता है तो फिर मैं क्या करूंगा, सेकेंडरी प्राइमरी रीजन अगर मेरा डाउन होता है तो मैं एप्लीकेशन सर्वर पर सेकेंडरी रीजन का पॉइंट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं सेकेंडरी रीजन का पॉइंट करूंगा तो सेकेंडरी रीजन का पॉइंट मैं कर तो दूंगा लेकिन मेरा एप्लीकेशन सर्वर सिर्फ रीड मोड में एक्सेस कर पाएगा, राइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि राइट के ऑपरेशन नहीं मिल रहा। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा बता, एक नया स्टोरेज अकाउंट बनाऊंगा और नया स्टोरेज अकाउंट बनाकर एप्लीकेशन सर्वर पे नया स्टोरेज अकाउंट का लिंक पॉइंट करूंगा और फिर ये वाले रीजन का डेटा वहां पे ले जाके रखूंगा, ऐसे करना पड़ेगा।
या तो फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा कि यही वाले को आपको राइट बोर्ड में प्रमोट करवाना पड़ेगा एज़्योर को बोलकर, ठीक है। तो इतना करने के लिए आपको कहीं ना कहीं डाउन टाइम चाहिए। भाई ड्यूरेबिलिटी तो मिल रही है लेकिन डाउन टाइम चाहिए ना ये प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो ये डाउन टाइम एक ड्रॉबैक बोल सकते हो आप, ठीक है। अगर ऐसे हम RA-GRS में आए तो यहां पर भी वही चीज है भाई कि भाई अगर हमारा प्राइमरी रीजन डाउन हो गया, डिजास्टर हो गया, तो सेकेंडरी रीजन में कनेक्टिविटी तो बनी हुई है, रीड मोड में, राइट मोड में थोड़ी बनी हुई है, लेकिन एप्लीकेशन सर्वर को जो स्टोरेज अकाउंट बैकएंड में चाहिए वो तो राइट का चाहिए। क्लियर? तो ये ड्रॉपबैक को खत्म करने के लिए इन्होंने GZRS का ऑप्शन लाके दिया। तो GZRS में क्या होता है कि रेप्लिकेशन प्राइमरी रीजन में भी हो रही है, सेकेंडरी रीजन में भी हो रही है। अब प्राइमरी रीजन अगर डाउन हो जाए, डिजास्टर आ जाए, तो सेकेंडरी रीजन से कनेक्टिविटी आपको मिलेगी लेकिन विथ रीड और राइट मिल जाएगी। विथ रीड और राइट क्या मिल जाएगी? रीड एंड राइट, वो वाले प्रोसेस जो मैंने आपको पहले बताया, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे क्या है कि एप्लीकेशन सर्वर वो डाउन टाइम से बच गया, लो डाउन टाइम, रीड एंड राइट। हाँ, लेकिन एक चीज है कि जब तक प्राइमरी डाउन नहीं होगा तब तक सेकेंडरी वाले रीजन से रीड भी नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अब सवाल आता है कि अब ये क्या आपने कर दिया भाई, रीड तो दे दीजिए। तो फिर ये कहते हैं कि फिर हमने एक अलग रेप्लिकेशन मेथड दिया, RA-GZRS। तो RA-GZRS करते हैं तो क्या होगा, प्राइमरी रीजन ये रहा और सेकेंडरी रीजन से फिर आप रीड एक्सेस भी एट द मोमेंट ऑफ टाइम कर पा रहे हैं। तो ये देखिए, फिर इन्होंने RA-GZRS दिया। तो इसमें क्या है कि प्राइमरी रीजन से आप कनेक्टेड रहेंगे और सेकेंडरी रीजन से आप रीड एक्सेस करते रहेंगे। कभी प्राइमरी डाउन होगा तो सेकेंडरी रीजन में जब ट्रैफिक जाएगी तो रीड और राइट दोनों स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इनके पास 6 रेप्लिकेशन मेथड हैं जो हमने अभी डिस्कस कर लिया और नाम से ही पता लगते हैं, देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों इसको समझना, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, है ना। और मुझे नहीं लगता कि डाउट्स होना चाहिए, और अगर आपको थोड़ा सा कुछ डाउट्स है तो फिर आप यहाँ से जाके पढ़िए तो आपको पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। चलो, तो इसी तरीके से देखिए, अकाउंट टाइप जब मैंने जनरल पर्पस किया तो देखिए सारे रेप्लिकेशन मेथड मुझे मिल रहे हैं। मैंने अकाउंट टाइप V1 किया तो देखिए रेप्लिकेशन मेथड कम हो गए, और मैंने यहाँ पर ब्लॉक किया तो देखिए मुझे फिर रेप्लिकेशन मेथड। अभी मैं जनरल पर्पस V2 करता हूँ और रेप्लिकेशन मेथड मैंने LRS ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखिए कहता है एक्सेस टियर, राइट। एक्सेस टियर भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेस टियर का मतलब जो डेटा आपका स्टोरेज अकाउंट में जाएगा उसको एक्सेस करने का टियर आप सेट कर रहे हैं। तो जरा आप यहाँ पे पढ़ें तो देखो क्या लिखा हुआ है, द अकाउंट एक्सेस टियर इज द डिफॉल्ट टियर दैट इज द इनफेरेड बाय एनी ब्लॉक विदाउट एक्सप्लिसिटली सेट टियर। द हॉट एक्सेस टियर इज tier is ideal for the frequently accessed data and the cool access tier is ideally for the infrequent access data. The archive access tier can only be set the blob label and not be the account. So, कह रहे भाई access tier जो cool और hot है ये आप storage के account label पे set कर सकते हो, और जो archive है वो blob label पे ही set होगा। क्या होता है इसके बारे में भी हम discuss कर लेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं भाई एक्सेस टियर। तो आपने ये जो स्टोरेज अकाउंट बनाया, अब आपने इस स्टोरेज अकाउंट में डेटा रख दिया, ठीक है। अब एक्सेस के 3 टियर हो गए। एक टियर क्या हो गया आपका, पहला टियर हो गया आपका कूल, और दूसरा टियर आपका हो गया यहाँ पर हॉट, और तीसरा टियर हो गया आपका आर्काइव। तो कूल का मतलब देखो क्या है कि भाई मैंने अपना डेटा स्टोरेज अकाउंट में रख दिया और मुझे अब उसे कभी कभी एक्सेस करना होता है, राइट। महीने में 1-4 बार, जैसे कि आपने लॉग्स रख दिया, है ना। तो कभी कभी एक्सेस करना है तो आप उसका एक्सेस टियर कूल कर लीजिए, थोड़ा सा प्राइस भी कम हो जाएगा। बोले तो इनफ्रिक्वेंट एक्सेस मतलब अगर आपका पर्पस ऐसा है कि भाई ये सर्वर मैंने बनाया और इस सर्वर का डेटा मैंने स्टोरेज अकाउंट पे रख रहा हूँ, लॉग्स रख रहा हूँ, कुछ फोटो फाइल्स रख रहा हूँ, वो कभी कभी जरूरत पड़ती है तो मैंने कूल ले लिया भाई, इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस करता हूं, तो उसे प्राइस थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हॉट का मतलब क्या है, हॉट का मतलब ये एप्लीकेशन सर्वर है। अब एप्लीकेशन सर्वर पे है या डेटाबेस है,
अब डेटाबेस में जो टेबल वगैरह है वो सब स्टोरेज अकाउंट में पड़ी हुई है, तो अब तो जब भी कोई क्वेरी होगी तो वो तो फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर रहा है ना, बार बार टेबल को रीड कर रहा है, तो उस टाइम पर आप हॉट लेते हैं। हॉट में आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी पर थोड़ा सा प्राइस ज्यादा होगा। ऐसी आर्काइव, आर्काइव का मतलब कुछ आर्काइव लेवल का डेटा आप रखना चाहते हैं, राइट, जो सिर्फ नाम मात्र के लिए रखना है, एक्सेस कभी नहीं करना होता, जरूरत पड़ने पे करना होता, तो आप फिर एक्सेस लिए फिर आप आर्काइव ले लीजिए। आर्काइव को कंपेयर कर लीजिए आप AWS के ग्लेशियर के साथ, ठीक है। तो ये तीन टाइप के एक्सेस टियर है, जिसमें कह रहा है कि अकाउंट लेवल पे आप कूल और हॉट सेट करते हैं, आर्काइव आपको सिर्फ ब्लॉक लेवल पे ही मिलती है, ठीक है, आगे देख लेंगे। देन उसके बाद हमने यहाँ पर किया नेक्स्ट, तो जैसे नेक्स्ट किया तो अब कह रहा है नेटवर्क कनेक्टिविटी, कह रहा है यू कैन कनेक्ट टू योर स्टोरेज अकाउंट आइदर पब्लिकली वाया पब्लिक आईपी एड्रेस और सर्विस एंडपॉइंट और प्राइवेटली यूजिंग द प्राइवेट नेट एंडपॉइंट। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यहां पर क्या है कि जो भी आप स्टोरेज अकाउंट बना रहे हो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, ये जो स्टोरेज अकाउंट हम बना रहे हैं ये जो होता है ये एक अलग नेटवर्क पे बनता है, ठीक है, ये स्टोरेज अकाउंट। तो कह रहे हैं ये स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस कहां से करना है, क्या पब्लिक नेटवर्क से एक्सेस करना है या किसी पब्लिक नेटवर्क में किसी स्पेसिफिक नेटवर्क से कनेक्ट करना है जैसे वीनेट वगैरह, या कोई प्राइवेट एंड पॉइंट लगा के करना है। तो मैं आपको समझाता हूं, देखो एक मिनट होल्ड कर, तो देखो क्या होता है कि मान लो ये पूरा का पूरा एजोर है, ठीक है ना, ये पूरा एजोर है। अब इन्होंने क्या किया, ये यहाँ पर स्टोरेज अकाउंट है, ठीक है, और ये यहाँ पर इनका कंप्यूट सर्विस है, ये क्या स्टोरेज अकाउंट की सर्विस है, और ये पूरा का पूरा इनका क्या है कंप्यूट है, ठीक है, ये कंप्यूटर है और ये स्टोरेज है। अब क्या होता है, देखो ये एक ही बिल्डिंग के अंदर रखा हुआ है, तब भी ये कंप्यूट की सर्विस इस स्टोरेज की सर्विस को अंदर से एक्सेस नहीं कर सकती, मतलब ये यहां पर इनका इंटरनेट है, इस कंप्यूट वाली सर्विस को भी इस स्टोरेज अकाउंट पे आने के लिए पब्लिक नेटवर्क पे जाएगा और ऐसे करके आएगा। तो बाय डिफॉल्ट जो स्टोरेज अकाउंट बनता है, तो एजोर बोलता है बाय डिफॉल्ट जो स्टोरेज अकाउंट बनता है उसको एक्सेस करने के लिए हम पब्लिक नेटवर्क ही अलाउ करते हैं, चाहे वो एजोर की सर्विस क्यों ना हो और चाहे वो बाहर का कोई नेटवर्क क्यों ना हो, एससीएल विप्रो का सर्वर क्यों ना हो या मेरा मशीन क्यों ना हो, ठीक है। तो ये वो चीजें पब्लिक एंड पॉइंट ऑल नेटवर्क। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी बंदा इस स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस कर सकता है अगर वो पब्लिक नेटवर्क से आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगला ऑप्शन कह रहा पब्लिक एंड पॉइंट सेलेक्ट नेटवर्क। अब पब्लिक एंड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि आप किसी पर्टिकुलर एंड पॉइंट से अलाउ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं भाई वीनेट वगैरह, है ना, कि हम चाहते हैं कि हमने यहाँ पर एन नंबर ऑफ वीनेट बना रहे तो वीनेट से ट्राफिक अलाउ हो, या हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा ऑन प्रेमिसेस है, ऑन प्रेमिसेस पब्लिक पे बैठा हुआ है और ये ऑन प्रेमिसेस ही आना चाहता है पब्लिक नेटवर्क से, क्या है स्पेसिफिक। तो ये वो चीज है, आपने कोई वीनेट वगैरह बना रखा है किसी वीनेट से ही अलाउ करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तीसरा ऑप्शन आ रहा है कि प्राइवेट एंड पॉइंट। प्राइवेट एंड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ये कंप्यूट नाम की सर्विस एजोर के अंदर ही है, ये भी एजोर के अंदर ही है, अब ये दोनों आपस में कनेक्ट होना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट इनको भी पब्लिक नेटवर्क से आना पड़ता है। तो एजोर कहता है कि आप अगर मोर सिक्योर होना चाहते हो तो आप यहाँ पर एक डिवाइस लगा लें, एंड पॉइंट डिवाइस लगा लें, तो ये एंड पॉइंट डिवाइस क्या करेगा स्टोरेज अकाउंट को और आपकी दूसरी सर्विस बोले तो कंप्यूट या डेटाबेस या कुछ भी हो उसको प्राइवेटली कनेक्ट कर देगा, दैट इज अ प्राइवेट एंड पॉइंट। आप इसको AWS से कंपेयर करें तो VPC एंड पॉइंट से कंपेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये चीजें हम आगे लैब में देखेंगे अगर आपको समझ में अभी नहीं आया हो तो। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर पब्लिक एंड पॉइंट ऑल करके चल रहा हूं, उसके बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया। अब मैंने जैसे ही नेक्स्ट किया तो अब देखिए कहता है कि कुछ एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस आपके सामने आ रहा, सिक्योर ट्रांसफर रिक्वायर्ड। तो सिक्योर ट्रांसफर रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि जब ये स्टोरेज अकाउंट आपका बनेगा तो स्टोरेज अकाउंट का एक URL आपको प्रोवाइड हो जाता है, राइट,
कि आप स्टोरेज अकाउंट को एक एपीआई के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। कुछ इस तरह से यूआरएल आपको मिलेगा, HTTP:// उसके बाद आपके स्टोरेज अकाउंट का नाम रहेगा, क्लाउड नॉलेज जो भी आपने यहाँ पे दिया। ठीक है, डॉट वगैरह वगैरह। तो कह रहा है कि ये जो यूआरएल है ये क्या सिक्योर बेस रखना है या फिर नॉर्मल रखना है। तो अगर आपने सिक्योर ट्रांसफर रिक्वायर डिसेबल रखा तो HTTP बेस यूआरएल मिलेगा, और अगर आपने इनेबल किया तो HTTPS बोले तो SSL सर्टिफिकेट लगाकर वो यूआरएल आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो कई बार हम लोग क्या करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर अपने स्टोरेज अकाउंट पे जो होते हो किसी यूआरएल के थ्रू आ रहे होते हैं, या फिर हम क्या करते हैं हमारा ये डेवलपर है और डेवलपर अपनी एप्लीकेशन डिजाइन कर रहा है, अब डेवलपर कहता है कि इस एप्लीकेशन के अंदर मुझे एक नेटवर्क स्टोरेज दीजिए, तो हम स्टोरेज अकाउंट का यूआरएल प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जस्ट काइंड ऑफ के लिए काम आता है, आगे डिस्कस कर लेंगे। ऐसे कहता है एजोर फाइल्स, कह रहा लार्ज फाइल शेयर, क्या इस स्टोरेज अकाउंट पे आप लार्ज फाइल शेयर करना चाहते हैं। तो जरा पढ़िए क्या बोल रहा है, प्रोवाइड फाइल शेयर सपोर्ट अप टू मैक्सिमम ऑफ 100 TB, लार्ज फाइल शेयर स्टोरेज अकाउंट डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट जियो रिटेंडेंट स्टोरेज ऑफरिंग एंड अपग्रेड हिज परमानेंट। तो ये कह रहा है कि आपको लार्ज फाइल शेयर करना है तो आप मैक्सिमम 100 TB तक कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर ऑप्शन है, आप इसको इनेबल रखना चाहें या डिसेबल रखना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इनेबल और डिसेबल आपके ऊपर है, लेकिन ये साथ में एक चीज और कह रहा है कि जियो रिटेंडेंट के साथ ये चीज सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, तो जियो रिटेंडेंट का मतलब क्या है, अगर मैं बैक आऊं और अगर बैक आके मैंने यहाँ पर रेप्लिकेशन मेथड मान लो जियो लिया, ठीक है, तो अब देखो ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड हो जाता है, मिलेगा ही नहीं आपको, तो सिर्फ ये लोकल और जोन के केस में आपको मिल रहा है ना। तो ये सारी चीजें एग्जाम का पार्ट्स हैं, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, तो अभी तो फिलहाल मैं लोकल ही लेके चल रहा हूँ। तो इस पे लोकल में आपके सामने फिर दो ऑप्शंस आता है, डिसेबल रखना है या इनेबल रखना है, तो मैं यहाँ पर इनेबल कर देता हूँ। देन उसके बाद आप आगे यहाँ पे बोल रहा है डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन में क्या है, देखो ब्लॉक सॉफ्ट डिलीट डेटा प्रोटेक्शन में पढ़िए जरा क्या बोल रहा है। कह रहा है व्हेन टर्न ऑन द सॉफ्ट डिलीट इनेबल यू टू सेव द रिकवर योर ब्लॉक डेटा इन इन मैनी केसेस वेयर द ब्लॉक्स और ब्लॉक स्नैपशॉट आर डिलीटेड दीस प्रोटेक्शन एक्सटेंड टू द ब्लॉक दैट आर द डिलीटेड एज द रिजल्ट ऑफ ओवरराइटिंग। क्या मतलब इसका दोस्तों, तो इसका मतलब क्या, देखिए अगर डेटा प्रोटेक्शन आपने डिसेबल रखा तो आप जो ये जो स्टोरेज अकाउंट बना रहे हैं इसके बनने के बाद इसके अंदर आपने एक ब्लॉब स्टोरेज बनाया, अगर आपने उसके अंदर एक फाइल आज आपने कॉपी किया, एक हफ्ते के बाद उसी नाम की फाइल को दोबारा कॉपी करते हैं और मान लीजिए गलती से ओवरराइट हो गया, तो फिर आप वो ओवरराइट वाला डेटा जो हुआ था वो रिकवर नहीं कर सकते अगर डेटा प्रोटेक्शन डिसेबल्ड है तो। या फिर आपने स्टोरेज अकाउंट के अंदर एक ब्लॉब स्टोरेज बनाया, उसके अंदर आपने अपना कोई डेटा रखा और वो डेटा गलती से आपसे डिलीट हो गया, तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते अगर डेटा प्रोटेक्शन डिसेबल्ड यहाँ पर है तो। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इनेबल किया तो अब रिटेन फॉर, मैंने यहाँ पर 99 डेज सेट कर दिया, तो 99 डेज का मतलब क्या है कि अगर गलती से कोई फाइल ओवरराइट हो जाती है या कोई फाइल गलती से डिलीट हो जाती है तो 99 डेज तक का मेरे पास टाइम है, मैं उसको रिकवर कर सकता हूँ। ठीक है, और इसको आप मैक्सिमम 365 डेज तक सेट कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आप आपसे अगर डेटा डिलीट होता है तो एक्चुअल में डिलीट नहीं होता, वो एक वर्जन नंबर के साथ पड़ा होता है, आप इस टॉपिक को रिलीट कर सकते हैं AWS के वर्जनिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तो मैंने यहाँ पर 100 डेज के साथ इनेबल किया, और देन उसके बाद ये कह रहा है डेटा लेक स्टोरेज, ये बेसिकली ये डेवलपमेंट का पार्ट है, हम इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहे, बाद में देखेंगे। ठीक है, और अभी मैंने नेक्स्ट किया और टैग दे देता हूँ यहाँ पर मैं, और टैग में मैंने दे दिया क्लाउड नॉलेज 1, तो ये मेरा एक स्टोरेज अकाउंट बन गया। ठीक है, ऐसे ही एक और बना लेते हैं। अभी जो हमने स्टोरेज अकाउंट बनाया इसमें काइंड क्या लिया, जनरल पर्पस V2 लिया, एक जनरल पर्पस V1 का ले लेते हैं और एक ब्लॉक का ले लेते हैं। तो चलते हैं फिर, हमने यहां पर क्या स्टोरेज अकाउंट,
क्रिएट स्टोरेज अकाउंट हमने यहाँ पे किया। सेम रिसोर्स ग्रुप हमने लिया यहाँ पर, और इस बार स्टोरेज अकाउंट का नाम हमने क्या रखा, क्लाउड नॉलेज वन रख दिया। इस बार हमने सेंट्रल यूएस लिया, हमने जनरल पर्पस V1 लिया इस बार हमने, और एप्लीकेशन मेथड GRS लेके चलते हैं। और नेक्स्ट एक चीज देखिए, आपको जनरल पर्पस V1 पे एक्सेस टियर का ऑप्शन नहीं मिल रहा। देखिए V2 में एक्सेस टियर आपको मिलता है, ठीक है, V1 में एक्सेस टियर आपको नहीं मिलता, और ब्लॉक में एक्सेस टियर आपको मिल रहा है। ये चीज आपको ध्यान रख के चलनी होगी। उसके बाद मैंने, ठीक है, नेक्स्ट किया हमने, अगेन नेक्स्ट, बाकी सारी चीजें। और एक चीज और देख सकते हैं, V1 में आपको लार्ज फाइल का ऑप्शंस नहीं मिल रहा। हाँ, इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हमने GRS लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट किया हमने, और यहाँ पर हमने टैग दे दिया, नेक्स्ट, बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन मिस हो गया। अच्छा, वन कर चुके थे, टू लिया। ऐसे ही एक और बना लेते हैं, इसका नाम मैंने रख दिया क्लाउड नॉलेज 2, ठीक है। स्टोरेज अकाउंट नाम 3 रख दिया मैंने इसका, सेंट्रल यूएस, और इस बार ब्लॉक, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन मेथड मैंने इस बार RA-GRS ले लिया। देखिए ब्लॉक में आपको ये चीजें नहीं मिल रही हैं, ये वाले एप्लीकेशन आपको नहीं मिल रहे हैं। स्टोरेज अकाउंट का टाइप अगर ये ब्लॉक लेते हैं तो ये पांचवा और छठवा आपको नहीं मिल रहा, देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर करके देख लें। एक्सेस टियर आपको यहाँ पे मिल रहा है, और देखें इस एडवांस में भी कुछ ऑप्शंस कम हो गए यहां पर। बस तो 3 मैंने स्टोरेज अकाउंट बनाया, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के, कुछ आपको एडवांस दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैंने ऐसा किया। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है फिर आगे चलते हैं। सॉरी,
जैसे ही कंप्लीट हो जाए फिर आगे चलते हैं। तो हो गया कंप्लीट, तो अब चलो यहां पर तो देखिए, एक हमने बनाया जनरल पर्पस V1, ये V2 और एक ब्लॉक, तो इसको ओपन करिए। सॉरी, सबसे पहले हम V1 वाले को ओपन करते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं आपके सामने क्या बोल रहा है, स्टेटस कह रहा है कि प्राइमरी अवेलेबल है एंड सेकेंडरी भी, राइट, क्योंकि आपने रेप्लिकेशन मेथड क्या लिया, जियो रिटेंडेंट स्टोर। परफॉर्मेंस टाइप आपको बता रहा है, अकाउंट काइंड बता रहा है, यहां पर देखिए V1 है। और उसके बाद देखिए कह रहा है कि इस स्टोरेज अकाउंट में सर्विसेज आपको मिल रही है, चारों सर्विसेज मिल रही है क्योंकि V1 आपने सेलेक्ट किया। थोड़ा सा जियो रेप्लिकेशन में आ जाए तो यहां पर देखिए आपको ये भी बताएगा कि सेकेंडरी कौन से रीजन में रेप्लिकेट हो रहा, देख सकते हैं ये देखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और थोड़ा सा अगर आप व्यू यहां पर क्लिक करें तो देखिए प्राइमरी रीजन का एंड पॉइंट दिया इसने, ब्लॉक सर्विस का भी दे रहा, फाइल का भी दे रहा, क्यू का भी दे रहा, टेबल का भी दे रहा, लेकिन सेकेंडरी लिंक आपको इसने नहीं दिया। सेकेंडरी लिंक आपको तब देगा जब प्राइमरी आपका डाउन होगा। क्यों? क्योंकि आपने रेप्लिकेशन मेथड यहां पर क्या है, रेप्लिकेशन मेथड जो है वो क्या है, देखिए GRS है, ठीक है। थोड़ा सा बैक आते हैं, अगर हमने जनरल पर्पस V2 को ओपन करते हैं तो V2 को जब हमने ओपन किया तो देखिए यहां पर कह रहा है प्राइमरी अवेलेबल है, मतलब लोकल LRS हमने लिया था, रेप्लिकेशन मेथड LRS तो लोकली है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है और एक्सेस टियर हॉट है, और अकाउंट टाइप तीनों सर्विस मिल रही है। लेकिन अगर रेप्लिकेशन मेथड में अगर हम आ जाए तो देखिए लोकली हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए जो भी आपको एंड पॉइंट मिल रहा है सब प्राइमरी का ही है, सेकेंडरी के ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन ऐसे बैक आए और अगर हमने ये वाला ओपन करें, इसमें हमने रेप्लिकेशन मेथड जो सेलेक्ट किया है वो क्या है, रीड एक्सेस जियो रेडंडेंट, तो ये देख चीजें देख सकते हैं। और अकाउंट काइंड में देखिए ब्लॉब स्टोरेज, और देखिए यहाँ पर एक ही सर्विस आपको मिल रही है सिर्फ कंटेनर की, बाकी नहीं मिल रही। थोड़ा जियो रेप्लिकेशन में आ जाए तो जियो रेप्लिकेशन में आए तो यहां पर भी देखिए कह रहा है प्राइमरी सेकेंडरी, लेकिन यहां पर एक चीज आपको नहीं मिलेगी, नया देखने को मिलेगा अगर आप व्यू ऑल करें तो देखिए सेकेंडरी रीजन का लिंक भी आपको दे रहा है, ठीक है, GRS में जो आपको नहीं मिल रहा। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि ब्लॉक सर्विस मिल रही है, तो सिर्फ ब्लॉक सर्विस का लिंक इसने दिया एंड पॉइंट, बाकी का नहीं दिया। तो ये था दोस्तों आपका एक छोटी सी स्टोरेज अकाउंट के ऊपर थ्योरी, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके लैब के बारे में, ठीक है। तो अभी का वीडियो मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ और अगले वीडियो में मिलेंगे हम, ये चीज डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो सर्विसेज हमने यहाँ पर देख रहे थे, ये एजोर स्टोरेज अकाउंट के अंदर जो सर्विसेज मिलती हैं जैसे ब्लॉक, फाइल्स, टेबल, क्यूज, तो अब इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनको कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस करेंगे, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो इस थ्योरी वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी। चलो दोस्तों, बाय बाय।